हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को मेरा आईलाइनर लुक बहुत पसंद है, तो आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके आप इजीली ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे, ज़्यादा अच्छा लगे, तो मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ये है नीविया का मॉइस्चराइज़र, और स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब बारी है लिप को भी मॉइस्चराइज करने का, क्योंकि आज के लुक में मैं यूज़ करने वाली हूँ लिक्विड लिपस्टिक। बेस मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स की बीबी क्रीम, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 ओरिजिनल। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सीसी क्रीम, बीबी क्रीम या फाउंडेशन कंसीलर यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये मेकअप लुक जो है वो एवरीडे के लिए परफेक्ट है। आपके घर पे छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप उसके लिए भी कर सकती हैं, और मुझे अपने वीडियोज़ के लिए रेडी होना था तो मैंने बीबी क्रीम यूज़ किया है और इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल नहीं है तो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम आपके लिए इनफ है, एवरीडे के लिए परफेक्ट है। तो आप इसे ही यूज़ करके अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकती हैं या फिर फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर सकती हैं, क्योंकि बीबी क्रीम या सीसी क्रीम फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज की नीड हो तो आप सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर सकती हैं, बट मैं सेकेंड लेयर अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा कवरेज की नीड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है मेकअप को सेट करने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो पूरे फेस मेकअप को अच्छे से सेट करिएगा, और अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है तो आई मेकअप और अंडर आई को अच्छे से सेट करना ना भूलें। वैसे कॉम्पैक्ट यूज़ करके आप अपने पूरे फेस को डस्ट ऑफ कर सकती हैं, लेकिन ऑयली स्किन है तो मेकअप को सेट करना बिल्कुल भी ना स्किप करें। नेक्स्ट स्टेप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है आईब्रो फिल इन करने का। यहीं पे आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छा भी लग सकता है और बहुत बुरा भी लग सकता है, इसलिए ट्राई यही करिएगा कि छोटे छोटे स्ट्रोक में आप अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करें, और जो आईब्रो का कलर आप चूज़ कर रही हैं पेंसिल का या पाउडर का, वो हमेशा आपकी आईब्रो से मैचिंग होना चाहिए या फिर लाइट होना चाहिए। कभी भी आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा फिल मत करिएगा जिससे कि वो नकली या ओवर दिखने लगें। अब बारी है इस मेकअप लुक का जो मेन स्टेप है वो है आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कोर्की का लिक्विड आईलाइनर। इसका प्राइस आई थिंक 175 रुपीज़ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँ अगर आप बिगिनर हैं तब भी, और अगर आपको एक अच्छा आईलाइनर, लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ आईलाइनर पसंद है तो इस आईलाइनर को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा आईलाइनर है। नेक्स्ट मैं काजल भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट काजल मेरा कोई भी मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है। बट अगर आपको काजल नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप काजल को स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि मुझे काजल पसंद है इसलिए मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपको मस्कारा पसंद है तो आप मस्कारा यूज़ करिए। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन का मस्कारा जो कि वाटरप्रूफ है, क्योंकि ये लेसेस को काफ़ी अच्छे से कल भी करता है, वॉल्यूम भी देता है, तो आजकल मुझे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। फ़िलहाल मेबिलिन के सारे ही मस्कारा बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको भी मस्कारा पसंद है तो आप मस्कारा को स्किप मत करिएगा, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप भी ऑप्शनल है और ये है हाइलाइटर का। देखिए, अब हम मेकअप
करें और मेकअप ग्लोई ना दिखे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हल्का सा हाइलाइटर भी अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। लास्ट स्टेप है लिपस्टिक का। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर की स्मज बी नॉट लिक्विड लिपस्टिक और इसमें जो मेरा शेड है वो है 03 10 फैन। आप अपनी पसंद की लाइट डार्क न्यूड पिंक कोई सी भी लिपस्टिक यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये लिपस्टिक एवरीडे के लिए परफेक्ट है, साथ ही साथ आप छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी इजीली कैरी कर सकती हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।